नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। चैनल पे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझसे एक्सीडेंट में कार की बिल्ड क्वालिटी को प्रूफ करने वाली पिक्चर्स शेयर करने की बात करी थी और कुछ लोग मुझे पिक्चर फॉरवर्ड भी कर चुके हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स हैं तो प्लीज़ उन्हें rana.nikhil1989@gmail.com पर ज़रूर फॉरवर्ड करें एक्सीडेंट की डिटेल के साथ, ताकि उस पर वीडियो बना के सेफर कार फॉर इंडिया को हम मिलकर प्रमोट कर सकें। एक सेफ कार हमेशा ज़्यादा रिलायबल होती है किस्मत से, ये बात मेरे हर वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इस बात को ज़रूर समझिए। एंड हम सब कोई एक्सपर्ट नहीं है एक जजमेंट लेने के लिए कि क्या सेफ है और क्या सेफ नहीं। तो कार लेने से पहले आपको सिंपली करना क्या है, आपको बस कार का नाम और क्रैश टेस्ट रेटिंग, ये दो वर्ड जोड़ के गूगल पे डाल देने हैं, जैसे कि XUV300 क्रैश टेस्ट रेटिंग, और वो आपको बता देगा कार सेफ है कि अनसेफ। एक अच्छी सेफ्टी के लिए कार को 4 स्टार मिले होने चाहिए, और ग्लोबल एनकैप ने कार को टेस्ट किया हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप इंडियन मेड कार्स को टेस्ट करता है, वहीं लैटिन एनकैप साउथ अमेरिकन रीजन में सप्लाई होने वाली कार का क्रैश टेस्ट करता है। तो एक इंडियन मार्केट के लिए बनाई जाने वाली कार और एक लैटिन मार्केट के लिए बनाई जाने वाली कार में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। सो ग्लोबल एनकैप इंडियन मार्केट में सप्लाई होने वाली कार का टेस्ट करके आपको रिजल्ट बताता है जो इंडियंस के लिए ज़्यादा मैटर करता है। एंड सेफ कार के साथ साथ सबसे ज़रूरी है कार को सेफली चलाना भी। ओनर रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो इस एक्सीडेंट में बिल्ड क्वालिटी की तारीफ करते हुए वापस बोलते हैं, इस एक्सीडेंट में कोई और हल्की बिल्ड क्वालिटी कार होती तो शायद वो नहीं बचते। तो टाटा टियागो हैचबैक सेगमेंट में एक काफ़ी अच्छी कार है जो अपने सेगमेंट में बेस्ट 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है। एंड पहले भी हम इसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के काफ़ी सारे एग्जांपल देख चुके हैं। तो बात करते हैं इस एक्सीडेंट की। सबसे पहले कार ओनर समीर अहमद का बहुत बहुत धन्यवाद पिक्चर शेयर करने के लिए और सेफर कार फॉर इंडिया मिशन से जुड़ने के लिए। समीर बताते हैं उनके पास टाटा टियागो एक्सचर मॉडल है और ये एक्सीडेंट होता है बारामूला कश्मीर में। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टाटा की पहुंच है। एंड जून के हैचबैक सेगमेंट के सेल्स फिगर भी इस चीज को प्रूव करते हैं, जहां हैचबैक सेगमेंट में टियागो की सेल्स काफी आगे है, तो अब लोग सेफ्टी की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। तो समीर बताते हैं कि 4 जनवरी 2020 करीब सुबह 8:30 बजे ये एक्सीडेंट होता है। तो जैसा कि ये बारामूला में रहते हैं तो वहां बर्फ वगैरह काफी रहती है, और वो बताते हैं कि उस दिन भी हल्की बर्फ पड़ी थी। एंड वो करीब 50 किलोमीटर/आवर की एक कंफर्टेबल स्पीड पे कार चला रहे थे, पर सडनली एक टर्न पे ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी का टायर बर्फ पे स्किड हो जाता है, गाड़ी साइड में एक पेड़ से टकरा जाती है, और टकराने के बाद उनके लिए भी कुछ हैरान करने वाली चीज उन्हें देखने को मिलती है। इस टक्कर से पेड़ गिर जाता है और कार के फ्रंट के नीचे आ जाता है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस एक्सीडेंट में गाड़ी का थोड़ा नुकसान भी होता है, फ्रंट में बम्पर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, दोनों हेडलाइट्स भी टूट जाती हैं, आगे आप देखेंगे तो बोनट और रेडिएटर भी थोड़ा पिचका हुआ सा दिखाई देता है, पर विंडशील्ड इंटैक्ट दिखती है। वहीं साइड प्रोफाइल में दोनों ही डोर्स में काफी डैमेज देखने को मिल सकती है, राइट साइड विंडो प्रोफाइल की मेटल शीट के साथ साथ बिडिंग भी उखड़ के आ जाती है। एस फ्रंट के अलावा आप देख सकते हैं साइड से भी इंपैक्ट लिया कार ने एक और पेड़ से। यहाँ नुकसान तो होता है, पर समीर बताते हैं पेड़ से इंपैक्ट होने के बाद जिससे पेड़ गिर जाता है और साइड से एक और पेड़ का इम्पैक्ट भी आता है, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सही सलामत बच जाते हैं। वो ये ज़रूर कहते हैं कि उन्हें हल्की फुल्की चोट ज़रूर आई, पर साथ साथ आगे वो ये भी बताते हैं कि इसी जगह अगर कोई हल्की बिल्ड क्वालिटी की कार होती तो शायद वो नहीं बचते, और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कार के बर्फ पे स्किड करने के बाद इम्पैक्ट पेड़ से होता है, कार की साइड प्रोफाइल और राइट साइड बम्पर से, और कोई हल्की गाड़ी से यहाँ नुकसान ज़्यादा हो सकता था एस पेड़ का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि यहाँ एयरबैग डिप्लॉय नहीं होते हैं क्योंकि जिस स्पीड पे इंपैक्ट हुआ था वो थोड़ा कम थी। तो ये एक और एग्जांपल आपके सामने था जहाँ कार ने अपने ओनर को बचा लिया कुछ हल्की फुल्की चोट के साथ, और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस ग्लोबल एनकैप की ऑथेंटिसिटी को हर बार प्रूफ करते हैं। और वापस कहूंगा, जो भी यूट्यूबर आपको ये कहें कि कार कोई भी हो, एक्सीडेंट कैसा भी हो, बिल्ड क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, या तो आप उनका चैनल देख के एक 0 से 2 स्टार रेटेड कार ले लें और अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली कहावत पे चलते रहें, या फिर थोड़ा बजट बढ़ा के एक सेफ कार लें। दोनों ही चीज़ आपके हाथों में है, हमेशा एक सेफ कार लें जिसमें बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर दोनों ही हों, और अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर कर सके। आपके पास भी कुछ ऐसी पिक्चर्स या वीडियो हैं जो कि किसी भी कार की अच्छी या बुरी बिल्ड क्वालिटी को दिखाती है, तो उन्हें rana.nikhil1989@gmail.com पे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके सेफर कार फॉर इंडिया मूवमेंट से जुड़ें। चलता हूं मैं, ड्राइव सेफ, बी सेफ, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ।